हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं राजस्थान की खनिज। ठीक है, राजस्थान के कंप्लीट खनिज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि राजस्थान के अंदर लोहा कहाँ कहाँ पे मिलता है। मैं सीधा आपको खाने बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मिलता है, उनके स्थान आप देख लेना, क्योंकि पेपर के अंदर क्या है खाने पूछी जाती है। लोहे की खानी क्या है, ट्रिक है नाथू निमोड़ा थाना। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, ना से नाथा की पाल, थू से थुरुंडे, नी से निमला रायसेला, मो से मरीजा बनोला, धा से डाबला सिंगाना और थाना से नीम का थाना। इस तरीके से आप याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तांबा कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो तांबा मीरा की ढानी खोखेपुर में। ठीक है, इसको आपने याद कैसे करना है, मीरा का नांगल क्षेत्र, बनने वालों की ढानी, खोदरीबा, खेतड़ी सिंगाना, खोखेपुर से पुर बनेड़ा, बस ये मेन वैसी ही है याद करने के लिए। उसके बाद में आता है सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता कहाँ पे मिलता है राजस्थान के अंदर, राजा राम चौथ गुड़ा के। ठीक है, केस नॉर्मल है, गुड़ा से गुड़ा किशोरदास, चौथ का बरवाड़ा, राजा राम से रास बनाइए बोले राजपूत दरीबा, जा से जावर, राम से रामपुरा ऊंचा, इस तरीके से आपने बनाया है। उसके बाद में टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो टंगस्टन मिलता है आबू की पहाड़ी पर बड़े नाना। ठीक है, नाना से नाना कराव क्षेत्र, बै से वाला बड़ा बेरा, ठीक है, और डे से डिगाना, उसके बाद में पहाड़ी से रेवत की पहाड़ी, आबू से आबू रेवदार क्षेत्र। उसके बाद में सोना, सोना कहाँ पर मिलता है, तो ये राजा जगत के, राजा जगत अनंत खेड़ा के, अनंतपुरा, ठीक है, जगतपुरा खेड़ा क्षेत्र, और राजा से आपका क्या है राजपुर दरीबा, इसमें मिलता है। उसके बाद में मैगनीज, मैगनीज की याद क्या है करने की तरीका है, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, लीलवानी, ठीक है, नगेड़िया और तेल, तेलवड़ा, इस तरह से एक है, देख लेना आप। ठीक है, सिकर को आपने कैसे याद करना है, सिकर की कैपेसिटी, सिकर की कैपेसिटी, कैपेसिटी, तो के से हो गया कैल्साइट, पी से हो गया या पास हो गया पायरेट। ठीक है, अजमेर में सारे के सारे फेल पास होते हैं, इसलिए फेल स्पार या फ्लोर स्पार। चूना पत्थर, चूना पत्थर को याद करने की ट्रिक क्या है, नी सानू चूना ला गया, ठीक है, नी सानू राज चूना ला गया, नी सानू राज चूना ला गया, नी से निम्बा एड़ा, सानू गांव और राजगढ़ अलवर के अंदर है, ये इसकी याद करने की ट्रिक है। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर बेंटोनाइट, बेटा क्या है बड़ा, बेटा क्या है बड़ा, तो बेंटोनाइट बाड़मेर। जिप्सम कहाँ पे मिलता है, जिप्सम में एक आपको याद रखना है नागौर गोट मांगलोई क्षेत्र, ठीक है, और एक आपने याद रखना है जामसर बीकानेर, उसके अलावा मोहनगढ़ और मचाना क्षेत्र भी आपने याद रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर भी आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। उसके बाद में रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट को कैसे आप याद करेंगे, रोक मत झामर, झामर रोक मत, तो झामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फास्फेट मिलता है, नीमच में मिलता है, बेतगढ़ या बेलगढ़ में मिलता है और सिसारमा क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद में अबरक, अबरक को याद करने की ट्रिक क्या है, ऐ से अजमेर, भय से भीलवाड़ा और क्या मत याद करना, उदयपुर याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में पन्ना, पन्ने को अपने आप पे क्या गुमान है, तो काला गुमान क्षेत्र उदयपुर, कांकरोली, राजगढ़ और देवगढ़ इसके क्षेत्र है। उसके बाद में एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस कहाँ कहाँ पे मिलता है, ऋषभदेव सलुम्बर नाथद्वारा। ठीक है, ऋषभदेव सलुम्बर नाथद्वारा। वोल्स्टोनाइट, ठीक है, वोल्स्टोनाइट को कैसे याद करेंगे, वोल को कस दे, वोल को कस दे सिर से, वोल को कस दे सिर से, तो सिरोही। संगमरमर कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, राजमंद का और नागौर का, इसमें आपको याद करने हैं सारे संगमरमर कि कौन कौन से संगमरमर कहाँ कहाँ से मिलते हैं राजमंद में। हीरा, हीरा कहाँ पे मिलता है, केसरपुरा और मानपुरा में। ठीक है, उसके बाद में कोयला, कोयला कहाँ कहाँ पे मिलता है, कपूरी जालीपा, घिरल, पलाना, पलाना जो है ये बीकानेर का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं खान है, कोयले की सबसे बड़ी खान है, या हम कह सकते हैं कोयला मंडी जो है वो पलाना के अंदर है। उसके बाद में खनिज तेल, खनिज तेल आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा, मरुस्थली इलाके के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्र के अंदर आपको सबसे ज्यादा खनिज तेल मिलेंगे। और इसमें क्या है कि आपको कुछ क्षेत्र मिलेंगे जैसे लोंगे वाला, तिग्गे वाला, इस तरीके से जो भी वर्ड होंगे वो क्या है खनिज तेल से रिलेटेड होंगे। यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम ये आणविक खनिज हैं,
ये कारकार में मिलते हैं, थोड़ा बहुत याद रखें, यू से ऊ, ऊ से यूरेनियम या यू से उमरा, इस तरीके से याद करें, खंडेला और गुनास, ठीक है, यूरेनियम उमरा खंडेला गुनास। बेरिलियम, बेरिलियम को कैसे याद करना है, डी यू रा, ठीक है, राउ भी, कैसे भी आप याद करने की ट्रिक देखें। थोरियम जो है वो आपको बद्रावन और सरदारपुरा के अंदर मिलता है। ये सारे आपके सामने खनिज हो गए हैं, ये पांच खनिज आपको याद करने हैं, ठीक है, यहाँ तक के खनिज आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।